हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल फूड इन रिशिता। और आज मेरी कज़न का बर्थडे है, तो उसके लिए मैं केक बनाने वाली हूँ। एंड आई थॉट कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। सॉरी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, बिकॉज घर पे काम चल रहा है। तो फ्रॉस्टिंग वाला केक बनाएंगे तो सब शेयर करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। अभी आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पे मैदा दिख रहा होगा, बट वील इग्नोर दैट। तो सबसे पहले इसमें जाएगा ये ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, उसमें बस स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो आज साथ साथ ही मैं बनाऊंगी और साथ साथ आप लोग देखोगे। तो इसके बाद इसमें जाएगी पाउडर्ड शुगर। तो ये वाला जो कप लिया है, एक कप पाउडर्ड शुगर लेनी है। तो अब इसमें जाएगी जी चीनी। तो थ्री फोर्थ कप शुगर ऐड करी है मैंने। तो अब इसके बाद इसको हमने कर लेना है मिक्स। तो ये हो जाएगा जी मिक्स। थोड़ा सा करते रहना थोड़ी देर, एंड देन यू विल सी ये थोड़ा फ्लफी सा हो जाएगा। तब तक हमको करना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। ये लेंगे और इसके साथ अब हम लेंगे एक नींबू। नींबू को करेंगे कट और डायरेक्टली इसमें हम स्क्वीज़ कर देंगे। पता है मेरा एक फ्रेंड था ना, वो नींबू को उल्टा काटता था, मतलब कि ऐसे काटता है वो, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली, नहीं करना चाहिए, बट कौन समझाए। ये चला गया नींबू दूध में, एंड बेसिकली हमारा जो दूध है वो अब फट चुका है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है। तो सारा एक बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि लम्स अवॉइड करने हैं। तो बस ऐसे डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे हम। तो ये हमारा टिन बिल्कुल रेडी है, इसको साइड पे रख देती हूँ। आ जाते हैं बैटर पे। कंसिस्टेंसी देख लो, ठीक है। तो अब जाएगी फाइनल तीन चीज़ें। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर जा रहा है। के बाद बेकिंग सोडा। तो ये हमेशा केक्स को स्पॉइल भी कर देता है और बना भी देता है। तो हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सारा नहीं डाला मैंने, आपने देखा होगा। एंड फाइनल इज वनीला एसेंस, फ्लेवर देने के लिए केक को। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है आज वाली। और एक और बात मैं बताना भूल गई कि मैंने ओटीजी को जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ओटीजी को हम प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पर, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जाएगा इसमें बैटर। तो केक का जो टिन है वो तैयार हो चुका है, एंड अब इसको रखेंगे हम ओटीजी में। तो चलो चलते हैं। तो केक जो है वो बनके तैयार हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो अब बेसिकली इस केक को हम यूज़ करेंगे आइसिंग करने के लिए। तो ये मैंने अमेज़ॉन से एक गैजेट मंगवाया था जो कि थोड़ा केक की इवन कटिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मेरी केक की कटिंग इतनी इवन नहीं होती है।
अब इसके बाद इसके ऊपर शुगर सिरप डालूंगी मैं, और मतलब बेसिकली थोड़ा सा पानी लो, उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दो एंड आपका शुगर सिरप बन गया है। मतलब चाशनी टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट दैट थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए। अब इसके बाद ऊपर मैं लगा रही हूँ विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम मैंने यूज़ करी थी इको रिच की शायद से, बट सिल्वर मार्क की भी कर सकते हो, वो भी अच्छी है। देन दोबारा से जो है स्पॉन्ज की एक और लेयर रख दूँगी इस पर, एंड शुगर सिरप मैंने बाद में डाला था, मैं दिखाना भूल गई। अब दोबारा से इसको हम जो है वो आइस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ स्पून की हेल्प से भी कर रही हूँ, मतलब इतनी इवन आइसिंग नहीं होती है, बट स्पून से भी हो जाती है। तो अगर आपके पास नहीं है पैलेट नाइफ या वैसा, तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। अब ये साइड्स को थोड़ा सा और ट्राई कर रही हूँ स्मूथ करने का। ये करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो है ना केक को मैं फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दूँगी, लाइक 15 मिनट के लिए, ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से केक पर सेट हो जाए। तो मैंने रख दिया था, अब उसके बाद दोबारा इसको बाहर निकाला है, और पिंक कलर की जो है वो पूरी विपिंग क्रीम से अब मैं इसको कवर करूँगी। तो बेसिकली पिंक कलर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसका पिंक कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि पिंक कलर ही रखते हैं उसके लिए। तो बस ऐसे सारा पूरा करेंगे, पाइपिंग बैग की हेल्प से इसको कवर कर लेंगे, एंड देन ये आइसिंग नाइफ से जो है इसको बस एक दो बार स्मूथ करके टच दे देंगे। अब इसके बाद दोबारा से साइड्स को स्मूथ करना है, जितनी भी एक्स्ट्रा विपिंग क्रीम है वो हटा देनी है, एंड अब बारी आ जाती है रोज़ के, मतलब वो पेटल टाइप बनाने की। तो ये थोड़ा रोजेट केक भी बोलते हैं इसको, तो बस ऐसे ही राउंड करके नोजल को आप देख सकते हो कि मैं कैसे घुमा रही हूँ, और वैसे घुमा के आप ऐसे करके ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये बाकी भी सारी जगह मैंने बना दिया, एंड फास्ट फॉरवर्ड में भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अब इसके बाद मैंने ये केक स्प्रिंकल्स लिए थे, मैंने मतलब मैंने ऑनलाइन किसी स्टोर से मंगाए थे। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, मैं जस्ट दैट केक दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगे और ब्यूटीफुल लगे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो ब्लू कलर के केक स्प्रिंकल्स जो है वो मैं इसकी साइड्स पर डाल रही हूँ, एंड देख सकते हैं कि इससे जो केक है वो थोड़ा और ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड बस ये मैं लगा दूँगी, एंड इसके बाद लास्ट में लगा रही हूँ उस पर बटरफ्लाइज, जो कि केक को ना और ज़्यादा प्यारा बना रही है। एंड ये एडिबल बटरफ्लाइज आते हैं, ये भी आपको मतलब किसी जो केक की शॉप होगी मिल जाएगी। तो ये देखो ये फाइनल केक है जो कि बन चुका है। पता है मुझे केक्स की सबसे बेस्ट बात क्या लगती है, कि ये हर इंसान के फेस पे ना स्माइल ले आता है। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप घर पर इसको ट्राई करोगे। मेरे फेस पे स्माइल आ जाए इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।